सदर सुन्नी तहरीक लाहौर सरदार अहमद ताहिर डोगर को जौहर टाउन में नामालूम अफराद ने मुबैना हमला किया है और सरदार अहमद ताहिर के चेहरे और गर्दन पर जख्म आए हैं। सदर सुन्नी तहरीक लाहौर सरदार अहमद ताहिर डोगर पर जौहर टाउन में नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर हमला किया है। मजीद बात करते हैं इस पर वकास अहमद से। वकास बताइएगा क्या मालूमात हैं, किस तरह से हमला किया गया इन पर? अजीब जो लाहौर के सदर है सुन्नी तहरीक के ताहिर डोगर, उनके मुताबिक वो अपने घर से ऑफिस जा रहे थे जौहर टाउन की तरफ मौलाना शौकत अली रोड पर जो कि जिना हॉस्टल के पास ही है, वहाँ पर दो मोटरों पर सवार थे जो नौजवान, उन्होंने उन्हें रोका है और उसके उन पर छद्दा शुरू कर दिए हैं, पिस्तौल के बट मारे हैं और जो स्टील पंच था वो मारे हैं जिससे उनके चेहरे और गर्दन पर निशान आए हैं। पुलिस का कहना है कि मेडिकल करवा के मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा और इसके साथ साथ तमाम पहलुओं पर जिनमें मुमकिन मुबैना तौर पर कातलाना हमला, मुमकिन तौर पर डिकेटी इंजामत या फिर कोई और चपलश हो सकती है, तमाम पहलुओं से तहकीकात कर रहे हैं और बहुत जल्द जो असल मुलाकात है वो भी सामने आ जाएंगे। जी ठीक है, शुक्रिया वकास, आपने अपडेट किया।